झांसी जिले के बरुआ सागर में ईद उल फितर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाह पर पहुंचकर देश में अमन चैन की दुआएं मांगी। मुस्लिम समुदाय के नमाजियों ने पहले वजू किया और उसके उपरांत मौलवी मौलाना अब्दुल गनी बस्ती वालों ने नमाज अता कराई। खतबा पढ़ाने के बाद देश की उन्नति, शांति, भाईचारे व सुख समृद्धि की दुआएं मांगी गई। नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगकर मिलकर के ईद की मुबारकबाद दी गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घरों में सेवैयां बनाकर ईद की खुशी को साझा किया। बस स्टैंड मार्ग पर स्थित ईदगाह पर भारी पुलिस सुरक्षा के साथ ईद के पावन पर्व पर सुबह ही तैयारियां शुरू हो गई। सुबह 9 बजे ईद की नमाज अता की गई। मौलवी की रहनुमाई में ईद की नमाज अता की गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सामूहिक रूप से नमाज अता कर अल्लाह से अमन चैन कायम रखने की प्रार्थना की। इसके बाद एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर सुरक्षा के मद्देनजर ASP अंतरिक्ष जैन, CO टहरौली अजय श्रोतिया और थाना पुलिस बल मौजूद रहा। News 30 एक्सप्रेस टीवी के लिए बरुआ सागर से विनोद साहू की रिपोर्ट। ईद के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? ईद के मौके पर यही कहना चाहते हैं कि सभी भारत देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हमारा देश जो है गुलदस्ते की तरह ये सजा हुआ है कि देश में सभी को अमन भाईचारे की तरह रहना चाहिए और भाईचारे का संदेश पूरे देश में जाए। शांतिपूर्वक पूरे देश में नमाज पढ़ी गई, नमाज ईद की अदा की गई और सबको हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। ईद के मौके पर संदेश यही है, हमारे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बड़ी चीज ये है इस्लाम के अंदर कि हमारे हाथ और जुबान और हमारी जात से किसी भी इंसान को तकलीफ ना पहुंचे। तो हमारा संदेश यही है कि अमन और सलामती हो, हमारे मुल्क के अंदर हालात बेहतर हो, हमें कोई तकलीफ पहुंचाए हम उस पर फूल बरसाए, हमें कोई दुख दे हम उसे फूल बांटे और मोहब्बत मीठी बातें भेजते। तो हमारा संदेश यही है कि हम एक दूसरे के अंदर भाईचारा कायम करें, नफरतों को दूर करें और मोहब्बत फैलाए। इससे हम बढ़ेंगे, हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। यही हमारा संदेश है।